Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स. एंड इस कैटेगरी से हमने पहले टेट्रासाइक्लिन को डिस्कस किया है, जो कि एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है. सेम उसी तरीके से जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, बट यहाँ पर आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा. सो इसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को हम किस टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं. सो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक अमीनो ग्लाइकोसाइड्स. सो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के थेरेप्यूटिक क्लास की अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो इसका जो थेरेप्यूटिक क्लास है वो एंटी बैक्टीरियल है. मीन्स ये जो ड्रग है वो एज ए एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के जो सिस्टमिक इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इसको काम में लेते हैं. और फार्माकोलॉजी जो क्लास है इसका वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. सो यहाँ पर ये जो क्लास है उससे हम इजीली समझ सकते हैं कि ये जो ड्रग है ये बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा करती है. सो इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसा कि हमने टेट्रासाइक्लिन में डिस्कस किया था कि जब भी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो वहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो ही एक मेन साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एंड इसमें भी दो सब यूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S. सो जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा इन दोनों सब यूनिट्स के थ्रू, तो जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर तीन मेन साइट्स होते हैं, साइट ए, बी एंड ई. सो 30S का जो ए साइट है उसके ऊपर tRNA जो होता है वो अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, और उसी की वजह से ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है. देन फर्दर ये जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र होता है पी साइट पर, और फिर जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ई साइट से ये अमीनो एसिड निकल जाता है. सो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता रहता है जब तक कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें रिजल्ट के रूप में प्रोटीन नहीं मिल जाता. सो जब हम यहाँ पर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए अगर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करते हैं, तो वो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर इंटरफेरेंस पैदा कर देते हैं. सो फर्स्ट जो एक मैकेनिज्म है वो किस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कुछ जो मेडिसिंस हैं वो 30S पे जो ए साइट है उस पर बाइंड होती है, और जो tRNA है जो कि अमाइनो एसिड को कोडिंग के साथ में लेकर आता है उसको वो बाइंड नहीं होने देती. तो ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है. सो इस तरीके से ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो अपना एक्शन शो करती हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करती हैं. सो फर्स्ट ये तरीका हो सकता है कि कुछ जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो इस तरीके से आपको बिहेव करती हुई नज़र आ सकती हैं, या फिर सेकंड जो तरीका है उसमें मिसरीडिंग ऑफ mRNA का जो केसेस हैं वो हमें देखने को मिलता है. और ये जो mRNA है इसके ऊपर कुछ कोड लिखे होते हैं जो कि जेनेटिक कोड होते हैं, तो यहाँ पर इनकी मिसरीडिंग होगी. सो उसकी वजह से ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो जल्दी से टर्मिनेट हो जाएगा. तो इसकी वजह से जो रिज़ल्ट हमें मिलना है कि यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, लेकिन जब ये प्रोसेस जल्दी से टर्मिनेट हो गया है तो जो एंड रिज़ल्ट है प्रोटीन
सिंथेसिस वो नहीं हो पाता है यहाँ पर इस कंडीशन में। तो ये एक दूसरा मैकेनिज्म है कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स इस तरीके से भी इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं, या फिर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के यूज़ की वजह से जो अमीनो एसिड सिर्फ ए साइट पर बाइंड हो रहा था वो ए साइट के अलावा पी और ई साइट पर भी बाइंड हो सकता है। सो यहाँ पर इस केस में इस वजह से हमें अबनॉर्मल प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलेगा। सो ये तीन मेजर तरीके हैं जिनकी वजह से जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो इनहिबिट होता है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से। आई थिंक कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का वो आपको इजीली समझ आ गया होगा। एंड फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। ना अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के जो यूजेस होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो सिस्टमिक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उसमें हम इसको मेनली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे साथ में जो कुछ बैक्टीरिया हैं लाइक ई कोलाई है या फिर सैरेटिया है और प्रोटियस, क्लैप्सेला एंड स्यूडोमोनास, ये पांच स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जिनसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं उन केसेस में हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ में लाते हैं। एंड यहाँ पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमें कॉमनली देखने को मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि यहाँ पर UTI के कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनके अंदर हम अमीनोग्लाइकोसाइड को थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ करते हैं गाइस। सो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग है। एंड सेप्टिसीमिया के केसेस हैं या फिर स्किन या बोन में होने वाले कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके अंदर भी हम अमीनो ग्लाइकोसाइड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें अमीनो ग्लाइकोसाइड का यूज़ किया जाता है। और अगर हम कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी कर रहे हैं तो एज अ प्रोफाइल एक्सिस हम यहाँ पर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज अ प्रोफाइल एक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस मीन्स एंडोकार्डाइटिस से बचने के लिए एज अ प्रोफाइल एक्सिस के रूप में भी हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। एंड मोस्टली ये जो ड्रग हैं इनको हम IV और IM जो रूट है उसके थ्रू ही एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पर जो ओरल रूट है उसको बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है, या फिर इसको मैं कहूँ ओकेजनली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी हमको करनी है तो उस केस में हम इसको ओरली यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो प्रिफर्ड रूट है अमीनोग्लाइकोसाइड को यूज़ करने के लिए वो IV और IM रूट है। सो यहाँ पर जो मेन ड्रग हमें देखने को मिलेंगे उनके अंदर जब हम सफिक्स को नोटिस करते हैं गाइस, तो यहाँ पर हमें दो टाइप के सफिक्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है माइसिन MYCIN एंड सेकेंड है MICIN। सो दोनों ही जो सफिक्स हैं वो रिलेट करते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ में। एंड इनके अंदर ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है कि ये माइसिन है लेकिन इनका जो ऑरिजन है उनके अंदर डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हमको मिलते हैं। सो इसीलिए कुछ ड्रग्स के पीछे हमें MYCIN सफिक्स देखने को मिलेगा और कुछ के पीछे हमें MICIN सफिक्स देखने को मिलेगा। सो इनमें जो मेन ड्रग हम यूज़ करते हैं वो है अमीकासिन, एंड इसको हम IV और IM दोनों रूट से यूज़ कर सकते हैं, या फिर जेंटामाइसिन, ये काफ़ी कॉमन है, इसको हम काफ़ी यूज़ करते हैं एंड इसको भी हम IV और IM दोनों ही रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कैनामाइसिन भी अमीनो ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आता है और इसको भी IV और IM रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, सो इसको भी हम
ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, लेकिन कुछ जो यूज़ है इसका वो अब लिमिटेड हो गया है। एंड कुछ जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है लाइक नियोमाइसिन, ये जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है इसको टॉपिकल इन्फेक्शंस जो होते हैं लाइक स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है या फिर आईज और ईयर से रिलेटेड इन्फेक्शंस है, सो उनमें इनका जो टॉपिकल एप्लीकेशन होता है वो हम नियोमाइसिन को यूज़ करके काम में ले सकते हैं एज अ टॉपिकल थेरेपी के रूप में। पैरामोमाइसिन भी एक अमीनो ग्लाइकोसाइड है और इसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं यहाँ पर तो इसका जो रूट है वो ओरल रूट है, इसको पैरासाइटिक जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए हम मेनली यूज़ करते हैं पैरामोमाइसिन को। तो ये एक ऐसी ड्रग है जिसको हम ओरली यूज़ करते हैं, अदरवाइज जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग हैं गाइज उनको हम आईवी या फिर आईएम रूट से ही एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो इन दोनों रूट्स में बेस्ट तरीके से हमें देखने को मिलता है और जो ओरल रूट है वहाँ पर इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। सो इसका जो प्रिफर्ड रूट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो आईवी और आईएम होते हैं। एंड लास्टली टोब्रामाइसिन, टोब्रामाइसिन भी एक अमीनो ग्लाइकोसाइड है और इसको भी हम आईवी और आईएम दोनों ही रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के केसेस में अगर साइड इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं वो इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर पेन हो सकता है इंजेक्शन साइट के ऊपर, क्योंकि हम इसको मेनली आईवी और आईएम रूट से एडमिनिस्टर करते हैं तो यहाँ पर जो पेन और इन्फ्लामेशन के साइन हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं या फिर फीवर डेवलप हो सकता है किसी पेशेंट को एंड नोज़िया, डायरिया एंड डिजीनेस की जो कंडीशन है, ये बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ में जो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की मैं बात करती हूँ यहाँ पर तो दो मेन सीरियस साइड इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी। और यहाँ पर जब भी ऑटोटॉक्सिसिटी के साइन हमें देखने को मिल रहे हैं तो इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो इनर ईयर है उसके अंदर डैमेज हो रहा है। सो कुछ साइन हम नोटिस कर सकते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी के केस में कि पेशेंट यहाँ पर हमको कंप्लेन कर सकते हैं कि उनको जो हेडेक का प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस बना हुआ है या फिर उनका जो हेयरिंग का एक प्रोसेस होता है, एक्टिविटी होती है, उसके अंदर इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है, मीन्स यहाँ पर हेयरिंग लॉस हो सकता है। एंड पेशेंट को डिजीनेस फील हो सकती है अगर जो इनर ईयर है उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की वजह से, तो पेशेंट को डिजीनेस फील हो सकती है या फिर बैलेंस के अंदर एक डिसबैलेंस देखने को मिल सकता है, इट मीन्स लॉस ऑफ बैलेंस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। एंड रिंगिंग इन द ईयर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है, जब भी ऑटोटॉक्सिसिटी होती है तो उनको घंटियां से सुनाई देती हैं क्योंकि हम यहाँ पर अमीनो ग्लाइकोसाइड को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ऑटोटॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ सीरियस साइड इफ़ेक्ट के रूप में। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीनो ग्लाइकोसाइड्स ऑटोटॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं एंड इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक हिंट देना चाहूँगी मैं कि क्योंकि ये आप भूल सकते हैं तो यहाँ पर एक आपको हिंट देना चाहूँगी कि आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि जब लोग किसी ऑटो को बुलाते हैं, मीन्स वो जो व्हीकल होता है ऑटो उसको बुलाते हैं, रोकते हैं, तो किस तरीके से रोकते हैं? अगर कोई मेल रोकता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी तरीके से रोकता है, ए ऑटो, तो ए से यहाँ पर अमीनो ग्लाइकोसाइड हो गया और ऑटो से ऑटोटॉक्सिसिटी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
कि अमीनोग्लाइकोसाइड से जो मोस्ट सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो ऑटो टॉक्सिसिटी है, एंड जो दूसरा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मीन्स इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें किडनीज हैं उनके ऊपर देखने को मिल सकता है। एंड इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिकग्नाइज कर सकते हैं, जब भी हम यहाँ पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करेंगे गाइस, तो कुछ कंडीशंस के अंदर हमें जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, या फिर BUN का जो लेवल है वो एलिवेट हो सकता है। सो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के केसेस में हमें कुछ इस तरीके के साइन देखने को मिल सकते हैं। एंड ये जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस, और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। सो आज का जो टॉपिक है वो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।